हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितास कुकिंग हब। आज मैं लेकर आई हूँ सबसे आसान फिश करी की रेसिपी। आज इस रेसिपी में मैंने रोहू फिश इस्तेमाल किया है। आप आज जो भी फिश खाते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, देखने में बहुत कलरफुल और टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए आज मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीके फिश करी बनाने के लिए मैं यहाँ पे रोहू फिश अच्छा से साफ करके ले लिया है और उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने एक स्पून नमक, स्पून हल्दी पाउडर, दो स्पून नींबू का रस डाल देंगे। डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे। नींबू का रस डालने से ये इसमें जो स्मेल आता है फ्राई करने के बाद कम हो जाएगी। अब उसको इसी तरह एक एक करके अच्छी तरह से मिला के 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मसाला रेडी करें। मसाला रेडी करने के लिए 2 कटा हुआ प्याज, 15 कलियां लहसुन और 4 लाल मिर्चा वो डाल के अच्छी तरह से पेस्ट बना देंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारी चीज़ आप घर में आराम से मिलेगी। ये इजी रेसिपी लगती है ना, कुछ मेहनत नहीं है। और उसको निकाल के टमाटर, 2 टमाटर को पेस्ट बना देंगे। पेस्ट को बर्तन को निकाल देंगे। फिश फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है, इसमें डालना है तेल। तेल जब तक धुआं नहीं निकले तब तक आप गर्म करें। आप देखिए ये धुआं निकल चुका है। अब इसमें फिश को ऐसे ही डालना है और गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। इसके बाद पलट पलट के 2-3 बार तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाए। बहुत लोग फिश का कम फ्राई करते हैं। फ्राई करना आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये फ्राई हो चुका है, अब उसको निकाल देते हैं। निकाल के फिर दोबारा फिर फिश को डालना है। डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। आप उसको रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हो। अब ये हो चुका है, अब उसको निकाल देते हैं। ये मैं इस कलर तक फ्राई किया है और आप ये फिश को आप स्टार्टर में भी खा सकते हो। अब सेम कढ़ाई पे जो बचा हुआ तेल में प्याज और लहसुन मिर्चा का पेस्ट को डाल के अच्छी तरह से मिला के कम 6-8 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे और बीच बीच में मिलाते रहे, मसाला जले नहीं। अब इसमें डालना है 1 स्पून धनिया पका पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून कश्मीर लाल मिर्च का पाउडर डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे और मिक्स करते रहे। अब इसमें डालना है टमाटर का पेस्ट। डाल के मसाला को तब तक भूनना है जब तक मसाला किनारों से एकदम ऑयल नहीं रिलीज होगी, मतलब किनारों से खुद तेल दिखने लगेगा। अब ये हो चुका है, आप देख सकते हो ये तेल छोड़ दिया है। अब हमारा मसाला पक गया है। अब उसमें डालना है पानी। पानी आपको आपका हिसाब से डालना है। आप ग्रेवी ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा पानी डालना है, कम रखेंगे तो कम पानी डालना है। मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है और डाल के उसमें डालना है 1/2 स्पून नमक। डाल के उसको अच्छी तरह से मिला के एक उबाल आने के लिए इंतज़ार करेंगे। अब ये एक उबाल आ चुका है, अब इसमें डालना है फिश को। फिश को डाल के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये पक चुका है, अब इसमें डालना है क्रस्ट किया हुआ गरम मसाला। डाल के फिर 2 मिनट चला देंगे, वर्क कर देंगे। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करने के बाद पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।